नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ मुस्कान अजमानी। चलिए रुक करते हैं देश दुनिया के 25 बड़ी खबरों की ओर। G20 समिट के लिए मेहमानों का भारत आना हुआ शुरू। पीएम जुगनौथ बोले, वन अर्थ वन फैमिली एंड वन फ्यूचर थीम सबसे बेहतर। पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन के बाद जारी हुआ संयुक्त घोषणा पत्र। सम्मेलन में आसियान के अलावा रूस, भारत ने हिस्सा भी लिया। त्रिपुरा उपचुनाव में सीपीआईएम ने लगाया धांधली का आरोप। वाम मोर्चा ने कहा चुनाव आयोग ने कोई कदम नहीं उठाया। यूक्रेन पर रूस के विचार शामिल कर बयान कर सहमति की कोशिश कर रहा भारत। रूस आक्रमण की निंदा करना चाहते हैं पश्चिमी देश। हवा की गुणवत्ता बिगाड़ रही बार बार चलने वाली तेज लू फसलों को भी पहुंचा रही भारी नुकसान। भारत जोड़ो यात्रा को एक साल पूरा, कांग्रेस नेताओं ने बीजेपी पर साधा निशाना। अयोध्या में क्रूज सेवा का शुभारंभ। सेवा भगवान श्रीकृष्ण की जन्मस्थली मथुरा तक भी पहुंच सकती है। गाजियाबाद में कुत्तों का आतंक। एक और व्यक्ति को कुत्ते ने काटा। बच्चे का घर से बाहर निकलना बंद। हत्या और फर्जी अपहरण का खुलासा। कानपुर देहात में पति ने पत्नी की हत्या की। कानपुर देहात में प्रधान और जल निगम की बड़ी लापरवाही। गंदा पानी पीने के लिए मजबूर हुए ग्रामीण। यूएस में छाया दिल्ली का G20 समिट। माइकल कुगेलमैन बोले, भारत अब वैश्विक नेता के रूप में स्थापित होने जा रहा। अमेरिका की प्रथम महिला जिल बाइडन हुई कोरोना नेगेटिव। 4 सितंबर को हो गई थी कोविड पॉजिटिव। फ्रांस के कोर्ट ने मुस्लिम छात्राओं के अबाया पहनने पर लगे बैन पर रोक से किया इनकार। काउंसिल ऑफ द मुस्लिम फेथ ने दी भेदभाव की चेतावनी। चीन ने G20 में अफ्रीकी संघ को शामिल करने का समर्थन किया। पीएम मोदी भी दे चुके हैं बड़ा बयान। चीन ने जिस मैप में बताया अरुणाचल समेत कई दूसरे देशों के क्षेत्र को अपना, उस पर भड़का जापान। ड्रैगन बोला, हमारा हिस्सा है। राजस्थान रॉयल्स खरीद सकता है इंग्लिश काउंटी टीम। यॉर्कशायर के लिए 226 करोड़ की बोली लगाई। नीदरलैंड के वर्ल्ड कप टीम घोषित। वन डर मेरवे और कॉर्लिन एकलमैन की वापसी। रोहन बोपन्ना ने रचा इतिहास। ग्रैंड स्लैम फाइनल में पहुंचने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी बने। एशियाई खेलों से टकरा रहा आईएसएल का कार्यक्रम। कई क्लब खिलाड़ियों को छोड़ने को तैयार नहीं। रोनाल्डो ने मेसी से प्रतिद्वंदिता पर लगाया विराम। प्रशंसकों से कहा उनसे नफरत नहीं करें। जवान ने पहले ही दिन बॉक्स ऑफिस पर उड़ाया गर्दा। तोड़ा पठान फिल्म का रिकॉर्ड। फिल्म ने ओपनिंग डे पर किया बम्पर कलेक्शन। कंगना ने जवान की तारीफ में पढ़ दिए कसीदे। शाहरुख खान को बताया गॉड ऑफ सिनेमा। पाकिस्तानी एक्ट्रेस नौशीन शाह के बिगड़े बोल। कहा कंगना रनौत को मारना चाहती हूं थप्पड़। वरुण धवन वीडियो 18 की शूटिंग के दौरान हुए घायल। वीडियो पोस्ट कर एक्टर ने दिया अपना हेल्थ अपडेट।
जावेद अख्तर को डायरेक्टर की मानद उपाधि से किया गया सम्मानित। समारोह में बेटा फरहान और पत्नी शबाना भी हुए शामिल। पांच मिनट के 25 बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी।